और ये ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आज हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ फंक्शन डिफाइन है आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन हो तो एफ इनवर्स एट एंड एफ इनवर्स नाइन की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो हमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स वाई नाइन की। तो देखिए हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एफ इनवर्स एट इक्वल्स टू एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये जैसे इस तरफ आएगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एट, ठीक है। तो अब इसको हम कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे, तो एट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आ जाएगी, प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम श्रीधर आचार्य विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाँच प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि पच्चीस माइनस फोर ए एंड सी अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू वन है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर यानी कि ट्वेंटी वन अपॉन टू। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ ट्वेंटी वन अपॉन टू। तो अब ये एक्स क्या है हमारे पास, एफ इनवर्स एट है। तो देखिए एफ इनवर्स एट इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ ट्वेंटी वन अपॉन। अब हम पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड है, टू टेन कोष्टक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फॉर्मूला जानते हैं, एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है ये। तो देखिए हम पुट करते हैं, टू टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस एक्स क्यूब वन माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए टेन टेन इनवर्स वन कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो पीछे क्या बचा, टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स फोर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, टू एक्स ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे क्या आ गया ये। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम और जानते हैं कि वन माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हमें क्या मिलेगा, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपस में वापस से कैंसिल आउट हो गए, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दो मैट्रिक्स गिवन है हमें और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसके जो संगत अवयव होते हैं उनका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना, उसके उसको एक दूसरे के बराबर रखते हैं। तो ए वन वन एलिमेंट और ये ए वन वन, ये ए वन टू, ये ए वन टू, ए टू वन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू टू। तो देखिए ए वन वन की हम तुलना करते हैं, तो के प्लस फोर इक्वल्स टू ए, ठीक है। और दूसरा आएगा ए टू टू की तुलना करते हैं, तो के माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, तो के आ गया हमारे पास माइनस फोर प्लस सिक्स, के आ गया हमारे पास क्या आ गया, टू। अब हमको ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम के को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, तो टू प्लस फोर इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू सिक्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, सिक्स आ गई, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था और ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर था या थ्योरी टाइप का था, ठीक है, जिसमें हमको एक परिभाषा लिखनी थी। देखिए व्युत्क्रमणीय है ना, और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, तो अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब कोई सा मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक है, जो क्या है एन क्रॉस एन की है, ठीक है। अगर ए का सारणी का मान क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो वो क्या कहलाएगी, व्युत्क्रमणीय, वो क्या कहलाएगी, व्युत्क्रमणीय। और अगर सारणी का मान नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। ये छोटी सी परिभाषा है, ठीक है, जो आपको किताब से मिल जाएगी। और अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एन क्रॉस एन की, वन क्रॉस वन, टू क्रॉस टू, थ्री क्रॉस थ्री, फोर क्रॉस फोर, तो उसमें अगर सारणी का मान ज़ीरो है तो व्युत्क्रमणीय, और सारणी का मान ज़ीरो नहीं है तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।